वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर आपको बता दिया जाएगा बस ये होगा, नहीं पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है उसका कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। आज की वीडियो टोटल होने वाला है 70 क्वेश्चन, और याद रखिएगा इस क्वेश्चन यानी कि जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का ये मॉडल पेपर जारी हुआ है, इसमें टोटल जो है वो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव आपको करना है, 20 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना है और 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन बताने वाले हैं और टोटल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। यहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बताएंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, A to Z आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे नए व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसलिए चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो हम आज के इस वीडियो में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार मॉडल पेपर है, यह बिहार बोर्ड ने जारी किया है और सबसे पहले आपके पास पहुंच रहा है कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। आज इसमें जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है बाबू, क्या होगा? हाँ देखिए, 1.8 × 10^11 कूलम पर केजी होता है। चूंकि विशिष्ट आवेश बराबर होता है, याद रखिएगा, होता है मास, ये द्रव्यमान हम कर लेते हैं चार्ज बाई मास। क्या होता है बाबू, हम इसको अगर आपको याद करना होगा तो याद रखिएगा, आवेश बटा में द्रव्यमान होता है, यानी कि हम कहेंगे चार्ज बाई मास होता है, याद रखिएगा चार्ज बाई मास। और हम कैसे जानेंगे कि 1.8 × 10^11 होता है, चार्ज का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10^-19 कूलम होता है, कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलम होता है। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करें इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 × 10^-31 होता है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इतना आएगा, याद रखिएगा 1.8 × 10^11 कूलम पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोर्ड पर देखिए और कॉन्सेप्ट इसका समझिए, क्योंकि ये वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर आपको बता दिया जाएगा बस ये होगा, नहीं पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, देखिए ये ऑप्शन भी ऐसा कोई नहीं है जिसको कहा जाए, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये मिसप्रिंट किया गया है, लेकिन ये होगा W = ME × 1 − cos θ, कि एम जो होता है बाबू चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन यहां पर कह रहा है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में हम यहां पर पी कर लेते हैं, W = P cos θ, इसलिए ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर यह चुंबकीय क्षेत्र दिया रहता है तो हमारा W = ME × 1 − cos θ होगा। याद रखिएगा इस पेपर में बहुत सारा मिसप्रिंट है, आपको एक एक चीज बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्यों और कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है बाबू, क्या कहेंगे, ε/ε0, याद रखिएगा ε/ε0 जो होता है वो परावैद्युतांक अपेक्षित परावैद्युत कहते हैं, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि ER = ε/ε0, ये सेम रेशियो के अनुपात को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, यानी कि अपेक्षित परावैद्युता बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र में समान रहती है वो क्या होती है बाबू, याद रखिएगा आवेश होता है, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम दो प्लेट बनाते हैं तो ये प्लस क्यू होता है
ये इस पे क्या होता है प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, आवेश ही दोनों प्लेटों पर क्या होता है प्रत्येक संधारित्र पे समान होता है, विभवांतर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स फिफ्थ क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a का मतलब होता है पाई, और एरिया बाबू व्यास दिया है तो हम लिखेंगे d/2 का होल स्क्वायर। क्या कर लेते हैं ये R d/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या करते हैं 2×4 जब ऊपर जाएगा तो ये 4R के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी आ रहा है। याद रखिएगा जब हम तार को खींचेंगे और व्यास उसका आधा हो जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है ये मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर में टोटल 70 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और आप अधिक से अधिक बच्चों को इसके पास ग्रुपों में शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जान जाए पैटर्न क्या है और किस तरह का एग्जाम क्वेश्चन में पूछने वाला है, ताकि आप एग्जाम में 100% करें। चलिए वायु में रखिए गोलीय चालक की धारिता समान पाती होती है, गोले की क्या होती है बाबू, गोले की त्रिज्या की होती है, क्योंकि C जो होता है वो 4πε0 × R होता है। याद रखिएगा या कोई भी गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0 × R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो सम विभव पृष्ठ जो होगा yz तल में। याद रखिएगा अगर x अक्ष रहेगा तो yz तल में होगा, अगर z अक्ष रहता तो xy तल में रहता है, अगर मान लेते हैं y तल में रहता है तो xz तल में होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है लेकिन आप अपना दिमाग को कभी घुमाइएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है बाबू। देखिए हाँ बहुत बढ़िया, रटना नहीं है हम लोग को, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए आप याद किए होंगे कि F = होता है 1/4πε0 × Q1 Q2 / R² पड़े हैं। तो बाबू एप्सिलॉन नॉट की बात करता है तो ये 1/4π और F करते हैं, और ये Q² / R करते हैं, R², इसका मात्रक हो जाएगा पर न्यूटन, ये कूलम स्क्वायर और ये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्वेश्चन को ओमर पे हम लोग कलर कर लेते हैं। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मीटर सेतु की तार बनी होती है, क्या चीज की बनी होती है बाबू, मैग्नीन की बनी होती है। याद रखिएगा मीटर सेतु की तार जो होती है वो मैग्नीन की बनी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता M के बीच में संबंध क्या होगा। बाबू याद रखिएगा ये संबंध जो होता है B = μ0 × H + m, ये चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकन की तीव्रता है, और ये B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशन हम करते हैं तो ये हमारा B = μ0 × H + m आता है। हम इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, कॉन्सेप्ट जानने के लिए, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और हाँ, अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। देखिए दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है बाबू, हाँ अनंत होती है। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे ऑफलाइन बैठ करके कमेंट कर रहे हैं, और हम ये भी देखना चाहते हैं जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप जानते हैं कि आंसर नहीं, और जानते भी हैं
तो क्या कॉन्सेप्ट आपको याद है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बस रट्टा मारे हुए आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए गोलीय दर्पण की 500 जो आवर्धन है अगर एम है तो अनुधैर्य आवर्धन क्या होगा, क्या करेंगे एम स्क्वायर। याद रखिए गोलीय दर्पण का अगर 500 आवर्धन अगर एम है तो इसका अनुधैर्य आवर्धन जो हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 13 में देखिए बाबू कह रहा है क्या कि अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंग दैर्ध्य लेमडा 1 तथा लेमडा 2 है तो स्नेल का नियम होगा। स्नेल का नियम आप जानते हैं साइन आई बाई साइन आर लेमडा 1 बाई लेमडा 2 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो वायु में बुलबुला होता है वो चमकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में समतुल्य लेंस होगा, यानी कि एक उत्तल लेंस इस तरह से करते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक हमारा उत्तल ही आएगा, याद रखिएगा। 15 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे हैं वो अधिक से अधिक इस वीडियो से फायदा उठा लें। आप बताइए जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है बाबू, किस रंग के लिए होता है, क्या कहेंगे, बैंगनी होता है, याद रखिएगा। क्योंकि 7 रंग थोड़ा सा उठाइए 7 रंग होता है और इस 7 रंग में सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। 7 रंग में किसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है, हम कहेंगे बैंगनी रंग का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। टोटल हम लोग इसमें टोटल कितना पढ़ने वाले हैं, टोटल 70 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसलिए 70 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करिए, छोड़ दीजिए इसका, कोई दिक्कत है बाबू। आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी बाबू, क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि C इज इक्वल टू होता है 4πε0R, याद रखिएगा ये होता है क्योंकि C इज इक्वल टू Q/V होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ही सही नहीं दिया है, इसलिए आप ये दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, बताइए अच्छी है। देखिए बाबू ये बटा में ई ना इक्वल लोटल ये होता है 1/4πε0 × 2π/r³ और 1/4πε0 × p/r³, ये कट जाएगा, ये 2:1, ये ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, रटना नहीं है, समझना है एक एक चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, आवेश का पुनः वितरण क्षय होता है किसके कारण, क्या कहेंगे, आवेश पुनः वितरण में क्षय होता है ऊर्जा का होता है, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आप बताइए कि ऑप्शन क्या होगा, समान प्रतिरोध एन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होगा, देखिए एन प्रतिरोध है तो एन आर हो जाएगा और बटा में समानांतर क्रम का मतलब होता है क्या होता है, आर बटा में एन कर लेते हैं, एन एन कट जाएगा, एन ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम लोग मार्कशीट क्लिक करते हैं, कलर करते हैं। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, रटना नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो पूरा देखे होंगे क्रैश कोर्स वाला, प्रैक्टिस सेट वाला, तो आप देखिएगा उसी में से ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए बार बार कहते हैं कि जो हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं बच्चे, जो भी हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो बनाए हुए क्रैश कोर्स है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोई नहीं छूटेगा, आप हमेशा टॉप करिए एग्जाम में। याद रखिएगा टॉप करना है तो मेरा रेगुलर वीडियो आप देखिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दिए। जो बच्चे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इस नए क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक विद्युत ध्रुव बंद सतह से घिरा हो तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? याद रखिएगा बंद सतह के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का शून्य होता, विद्युत क्षेत्र का मान होता है, विद्युत फ्लक्स का मान होता है, वो शून्य होता है। अंदर विद्युत फ्लक्स का मान, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 देखिए। करा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुगराई होती है जब पाई बाई फोर, यानी कि जब 45 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा तो विक्षेप ज़्यादा करता है। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुगराई कब होगा? जब उसके बीच में जो कोण बनता है वो 45 डिग्री का होता है, तो अधिक सुगराई होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक चोक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होता है बाबू? याद बताइए शक्ति गुणांक कितना होता है? शक्ति गुणांक जीरो होता है। याद रखिएगा चोक कुंडली की शक्ति गुणांक जो होता है जीरो होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 23 का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, कोई भी आवेश चलेगा याद रखिएगा तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जब गतिमान आवेश रहेगा तो उसमें दो क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना सुनहला है, इसका सही सरलता क्या होगी बाबू? बैंड सुनहला है। एक कार्बन प्रतिरोध का अंतिम छोर, अंतिम छोर का मतलब जानते हैं कि हम लोग पढ़े हुए थे, एक ट्रिक बताए थे कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नेकलेस का मतलब होता है नन ऑफ दीज ऑफ कलर, इसमें कोई कलर का रंग नहीं होता है, और उसका जो सांद्रता होती है वो 20% होती है। याद रखिएगा 5% किसकी होती है? तो वो होती है 5% किसकी होती है बाबू? सोने की। और 15% किसकी होती है? चांदी। 10% चांदी की होती है, याद रखिएगा। और 20% जो होता है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई कलर की नहीं होती है। फैराडे नियतांक मात्रक होता है किसका? कूलाम पर मोल ना, याद रखिएगा फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम पर मोल। क्या कहेंगे? कूलाम पर मोल। याद रखिएगा फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर मोल। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। शक्ति रहित का मतलब वाटलेस करेंट, यानी कि सर्किट ऑफ वाटलेस करेंट विल बी क्या होगा बाबू? किसमें होगा? किसमें हम कहेंगे? देखिए ऑप्शन दिया है शुद्ध धारिता ना, और इसमें दिया है प्योर इंडक्टिव। देखिए ऑप्शन में बाबू गड़बड़ कर दिया है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा, प्योर इंडक्टिव होता है, प्योर इंडक्टिव याद रखिएगा, प्योर इंडक्टिव होता है, शुद्ध ये प्रकीय प्रति शुद्ध प्रेरक होता है, या फिर कहेंगे प्योर इंडक्टिव। तो इंग्लिश मीडियम में बी ऑप्शन हो जाएगा और हिंदी मीडियम में सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ये मिसप्रिंट है, बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया है, इसलिए जो मॉडल पेपर जारी करते हैं समझ में नहीं आता है कि अधूरा क्वेश्चन को डाल देते हैं, ऑप्शन को गलत डाल देते हैं, हिंदी मीडियम को कुछ और कर देते हैं, इंग्लिश मीडियम को कुछ और कर देते हैं।
बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, इसलिए बच्चे आप लोग अगर रट्टा मारिएगा तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए रट्टा नहीं मारना है, एक एक चीज को समझना है। याद रखिएगा ऑप्शन बी प्योर इंडक्टिव इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में हो जाएगा शुद्ध प्रेरक की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बाबू देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुम्बकीय तरंग के बीच कलांतर होता है, क्या होगा बाबू, क्या हम कहेंगे? देखिए हम करेंगे इसको थोड़ा सा, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुम्बकीय तरंग के बीच कलांतर क्या होगा, कलांतर का मान क्या होता है बताइए। देखिए कलांतर जो होता है ना चुम्बकीय तरंग और विद्युतीय तरंग के बीच में पाई बाई टू होता है, याद रखिएगा कलांतर कितने बनते हैं, पाई बाई टू होता है। याद रखिएगा फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं यहाँ पर देखिए फेज डिफरेंस पूछ रहा है, ये 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा ना क्या होते हैं 0 डिग्री, दोनों के बीच का जो एंगल का बनता है फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 डिग्री बनता है, क्यों, क्योंकि दोनों जो होते हैं विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, वो लंबवत होते हैं, वो लंबवत बताता है लेकिन दोनों का फेज डिफरेंस बताएगा तो 0 डिग्री, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 की बात करते हैं, 29 देखिए, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस क्या होगा, बाबू हम जानते हैं f बराबर f1 और प्लस f2 जानते हैं, और अगर हम f प्लस f करते हैं तो ये हो जाएगा 2f, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि 29 का ऑप्शन हमारा b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक उत्तल लेंस की ऊपरी आधा भाग को कला कर दिया गया है, उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। देखिए अगर हम उत्तल लेंस को इस तरह से बनाते हैं और इसके ऊपरी भाग को अगर कला कर देते हैं और वस्तु को इधर सामने रखते हैं तो इसकी तीव्रता घट जाएगी, सी हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा इसकी तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। देखिए सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितना, 25 सेंटीमीटर, 31 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा सामान्य आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 देख लीजिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और जितने भी अभी तक हम लोग प्रैक्टिस करवाए हैं या हम लोग अभी करवाने वाले हैं, एक एक वीडियो को कॉन्सेप्ट के साथ हम समझा रहे हैं, समझाए हुए हैं, तो उस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा एग्जाम में टॉप करे। याद रखिए हर बच्चा अच्छे नंबर से पास हो यह हम लोग का कोशिश है, इसलिए हमारा यह वीडियो व्यर्थ ना जाए, हमारा मेहनत व्यर्थ ना जाए, यह मेहनत आप पे ऊपर डिपेंड है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं कि नहीं, और अधिक से अधिक इसे मतलब अपने ग्रुपों में भेज रहे हैं कि नहीं, जरूर यह करिए ताकि सब बच्चे इस वीडियो को देखे। बताइए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जितनी प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन। अल्फा कण क्या है, अल्फा कण एक हीलियम का कण है, याद रखिए अल्फा कण ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अल्फा कण क्या है तो हीलियम का कण है, अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं ना, कितना होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं, अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं, अल्फा कैसा होता है तो अल्फा धनात्मक होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है बाबू, ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपको बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि ट्रांजिस्टर पी एन जंक्शन की संख्या होती है बाबू, एक पी टाइप का होता है एक एन टाइप का होता है, इसलिए ऑप्शन 2 होता है, इसमें पी टाइप अलग एन टाइप अलग, जब दोनों को ट्रांजिस्टर को मिला देते हैं तो पी एन टाइप के ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, तो जंक्शन की संख्या कितना होता है 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग इस वीडियो में टोटल जो है वो 70 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और आपको बताना चाहेंगे ये मॉडल पेपर है याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर का धारा गुणांक अल्फा का अल्फा तथा बीटा में संबंध क्या होता है बाबू बताइए,
देखिए इस दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं और ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, जबकि होना चाहिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा होना चाहिए। देखिए ये होना चाहिए, जैसे ये दिया है ना, ये दिया है उसी तरह से ये होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए हम कहेंगे इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन इस तरह से बिहार बोर्ड दे देता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बिहार बोर्ड वालों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं और कहां से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब ऑप्शन आप नहीं दीजिएगा तो बच्चे कैसे करेंगे, इसलिए बिहार बोर्ड वाले सुधर जाइए, गलत आप मत डालिए। तप्त धारा एमीटर में क्या होता है बाबू? धारा समानुपाती विपेच, मतलब ये होता है विपेच का स्क्वायर होता है, यानी कि जितना धारा होती है वही विक्षेप होता है, उतना ही ज़्यादा विपेच विक्षेप होता है। यहाँ पे विक्षेप होना चाहिए लेकिन विपेच दिया है, जो कि ये भी नहीं होना चाहिए। धारा जो होता है वो समानुपाती होता है विक्षेप के। तो देखिए बहुत सारा जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो टाइपिंग किया गया है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा गलती है। ऐसे जो होते हैं अगर पेपर में आ जाएगा तो शायद बच्चा एग्जाम में 100% करेगा, वो तो नौबत होगा कि वो बढ़िया नंबर भी नहीं लाएगा, टॉप भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाइए बिहार बोर्ड वाले। ऐसे पेपर बनाने से ना डालने से बेटर है कि आप थोड़ा सा और 2-4-10 दिन लेट कर लीजिए, लेकिन बढ़िया से डालिए, ताकि बच्चे इंतजार करते हैं मॉडल पेपर का, बेसब्री से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप इस तरह से गलत डालिएगा तो बेचारे नर्वस हो जाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे। बताइए एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है? याद रखिएगा शक्ति गुणांक जो होता है आर बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, याद रखिए। जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक कमेंट करिए, बताइए कि आप कितना जान रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं ये भी बता रहे हैं आंसर कि ये होगा सर। चलिए निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता होती है अधिक? गामा किरणें की होती है। बोलते हैं ना गामा पहलवान बनना है कि अक्सर हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि बाबू मजबूत वही होता है जो मतलब पहलवान होता है। तो ये जितने भी किरण और कण आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणें की होती है, वो ना विद्युत क्षेत्र से मतलब ना विद्युत क्षेत्र से और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से किसी से ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब ये सीधे ये भेद करके बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या अगर कैपिटल आर के बीच संबंध स्थापित करना हो तो याद रखिएगा आर अनुक्रमानुपाती ए का पावर 1/3 होता है, आर अनुक्रमानुपाती ए का पावर 1/3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 39। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं। देखिए सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। कभी अगर नाभिकीय रिएक्टर से पूछ देगा कि नाभिकीय संयंत्र के द्वारा जो ऊर्जा होती है तो नाभिकीय विखंडन होता है, याद रखिए। नाभिकीय विखंडन वाला हम लोग यूज करते हैं नाभिकीय संयंत्र बनाने के लिए, लेकिन जो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम मात्रा की तुल्य ऊर्जा होती है, कितना होती है बाबू? देखिए इक्वल टू होता है MC² ना, और m का मतलब है 1, और इंटू सी के जगह पर 3×10^8 का होल स्क्वायर करते हैं, 3×2 हो जाएगा 10^16। तो देखते हैं लगभग 10^17 जूल आ रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा 1 किलोग्राम मात्रा की तुल्य ऊर्जा लगभग होगी 10^17 जूल होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे घबराइए मत, ध्यान से इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को देख करके आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। पक्ष अभिनीत डायोड होता है, याद रखिएगा जेनर डायोड। ऐसे क्वेश्चन को देखिए और तुरंत करिए, इंतजार नहीं करना है ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा सिचुएशन होता है कि देखें और तुरंत किए, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सोचिएगा तो गलत हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और आंसर बताना है और वो मार्कशीट तुरंत क्लिक कर देना है। देखिए पक्ष अभिनीत जो
होता है वो जिनर डायोड होता है, याद रखिएगा 42 का ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें टोटल हम 70 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये मॉडल पेपर है। नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक होगा बाबू, नंद गेट किसको बोलते हैं? जो नॉट गेट और एंड गेट होता है, जब दोनों को मिलाते हैं तो नंद गेट बनता है ना, एन एंड गेट बनता है। और ये नॉट, ये बार जो साइन होता है वो नॉट को दर्शाता है, और डॉट जो बताता है वो एंड को बताता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी नॉट, y इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसलिए नंद गेट का ये सेम, मतलब इसको संकेत कहेंगे, बुलियन व्यंजक कहेंगे। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है 60 सेकेंड, याद रखिएगा। मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है कितना होती है, 60 सेकेंड होती है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 45, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां होती है, बताइए नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है बाबू, आवेश होता है, याद रखिएगा 45 का ऑप्शन ए कहेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर हमारा। जो बच्चे इस वीडियो में नए व्यूअर आए हैं, कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, ताकि अधिक 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 से अधिक बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा पाए। चलिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा हीरा का, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है ना, कितना होता है तो बाबू याद रखिएगा कितना होता है, 2.4, याद रखिएगा कितना, 2.4 होता है, याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगर अपवर्तनांक याद रहेगा तो इसका हम कोण भी निकाल सकते हैं। दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है, जब उनके बीच का कलांतर क्या होता है, नियत रहता है, याद रखिएगा दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है, जब उनके बीच का कलांतर जो होता है वो नियत रहता है। गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होता है बाबू, क्या होता है, याद रखिएगा घटता है, क्या होता है, अगर हम चालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखिएगा यदि हम किसी चालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन हम अर्धचालक को गर्म करते हैं उसका प्रतिरोध घटता है। यदि हम कुचालक को गर्म करते हैं तो उसके प्रतिरोध के मान में कोई अंतर नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, आवेश समय से स्वतंत्र होता है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो होता है प्रेरित चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में परिवर्तन होता है, कुंडली के प्रतिरोध से परिवर्तन होता है, लेकिन समय से क्या होता है वो स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिमाण है, ऊर्जा का, याद रखिएगा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय जो होता है ऊर्जा का, जो कि इसके बाद हम लेंज का नियम भी बताए थे कि लेंज का नियम भी ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत होता है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय के बारे में लेंज ने बताया था, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, याद रखिएगा बाबू। 52 क्वेश्चन, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान बताइए बाबू, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है, याद रखिएगा, और 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चार डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगा बताइए, चार डायोप्टर देखिए ये हो जाएगा 0.25 मीटर, क्योंकि P बराबर होता है 1/F या 1F = 1/P ना, 1/P करते हैं, 1/4 डायोप्टर है बाबू, इसको सेंटीमीटर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर दिया है, हाँ 25 सेंटीमीटर दिया है, अगर मीटर में करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर, तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, याद रखिए। चार डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, 0.25 मीटर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत,
देखिए ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के लिए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 50% क्वेश्चन उम्मीद है आने के लिए आपके एग्जाम में। इसलिए एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए और क्यों और कैसे ये भी याद रखिए। समान समायोजन के एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता क्या होती है बाबू? 1+D/F। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की ये आवर्धन क्षमता होती है, 1+D/F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। अवरोध के किनारे पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। याद रखिए, किसी अवरोध से प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। हीरा के लिए क्रांति कोण का मान 24.41 होता है ना, 24.41 डिग्री होता है। याद रखिए, क्यों? क्योंकि हीरा का जो हम बताए हैं 2.4 होता है, ये हमारा अपवर्तनांक होता है। जब अपवर्तनांक आपको याद है तो n बराबर आप जानते हैं 1/sin c ना। अगर हमें साइन सी का मान निकालना होगा तो 1/n कर लेते हैं और 1/ ये 2.4 करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24.41। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके आप जरूर अपना फीडबैक बताइएगा कि आप अगर किसी भी चैनल पर अगर देखे होंगे और उससे और इसमें क्या डिफरेंस होगा आपको पता चल जाएगा। देखिए, कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होती है, बताइए क्या होगा? क्या होती है बाबू? कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी हम कहेंगे अनंत होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 56 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है कितना? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा μ × μ-1 × a होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ए जो होता है वो प्रिज्म एंगल होता है। तो इस तरह से पतले प्रिज्म के द्वारा जो विचलन कोण होता है, ये विचलन कोण का मतलब Δm = μ-1 × a होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान याद रखिएगा φ = 2nπ होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर का मान होता है φ = क्या होता है बाबू? 2nπ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, एक प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का परास होती है। देखिए याद रखिएगा, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का जो परास होती है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है बाबू? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण की प्रकृति को बताता है? प्रकाश का व्यतिकरण। याद रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण में हमने बताया था यंग का द्विझिरी प्रयोग, और यंग का द्विझिरी प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश जो होता है वो क्या करता है कि वो एक तरंग है और एक कण के रूप में होता है। कण प्रकृति को बताता है ना। तो प्रकाश का कण जो होता है, ये व्यतिकरण तो तरंग को बताएगा। प्रकाश जो होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्योंकि व्यतिकरण से हमें प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। याद रखिएगा, प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि व्यतिकरण के द्वारा होता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव से हम क्या कहेंगे? घटना प्रकाश के कण प्रकृति की होती है, यानी कि प्रकाश का कण अगर पड़ता है, फोटोन जो होता है वो कण होता है, और फोटोन जैसे ही किसी धातु पे पड़ता है वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कह देते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय पर रहने पर अचर वेग से जा सकता है? बताइए, निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से? देखिए,
इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है, फोटॉन जो है, और ये देखिए यहाँ पर हम कहेंगे फोटॉन, क्या कहेंगे, क्योंकि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ रहने पर जो होता है अचर वेग से जा सकता है वो होता है फोटॉन, जिसकी जो ऊर्जा होती है फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाभिकी की खोज किसने की थी, नाभिकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में बताया था और नाभिक के बारे में बताया था कि किस तरह से ये होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होगी, बताइए जल्दी बाबू, कमेंट करके बताइए। 63 का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होगी, द्रव्यमान कब होगा नहीं, आवेश कभी होगा नहीं, संवेग होगा नहीं, होगा नहीं, अब रह गया बबुआ ऊर्जा भी होगा नहीं। ऑप्शन ही गलत दिया, कुछ नहीं इसमें दिया है कि हम आपको बताएं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो अलग होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश अलग होता है प्रोटॉन पे, मतलब दोनों पर आवेश तो बराबर होता है, ये कर सकते हैं, बट एक नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जब बाबू द्रव्यमान अलग है तो संवेग कहाँ से एक ही होगा, और ऊर्जा का तो सवाल ही नहीं बात होता है कि न्यूट्रॉन जब आवेश ही नहीं है तो ऊर्जा कहां से होगा। इसलिए 63 जो होते हैं कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी बोर्ड में देना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इसमें बराबर नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, 64 की बात करते हैं, करा एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना दिया हुआ है, विद्युत धारा की आवृत्ति होगा, देखिए आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, और ओमेगा बराबर दिया है 100π दिया है, 2πf करेंगे, पाई पाई कट जाएगा, ये 50 कट जाएगा, यानी कि ये बराबर ये 50π। देखिए यहाँ पर आपको पाई भी नहीं दिया है, यहाँ पर आपको 100π देखिए, सिर्फ आपको 50 होनी चाहिए, पाई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में पाई दिया है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा। इस तरह से बिहार बोर्ड बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन गलत दिया, लेकिन हम लोग को करेक्ट करना है, कॉन्सेप्ट जब दिमाग में रहेगा ना तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन गलत दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए, सिर्फ 50 होगा, पाई नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, 65 क्वेश्चन, जर्मेनियम का बैंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, याद रखिएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी भी जर्मेनियम धातु में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ऊर्जा होती है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यदि किसी धातु का कार्य फलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो देहली तरंग धैर्य होगा, देहली तरंग धैर्य बाबू क्या होता है बताइए, देहली तरंग धैर्य का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, कार्य फलन बराबर होता है फाई बाई लेमडा, अगर हमें लेमडा निकालना होगा फाई बाई हम कर लेते हैं ओमेगा, फाई के जगह पर एससी कर लेते हैं, इसको आपको बना करके बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए और कार्य फंक्शन बराबर एससी बाई लेमडा होता है, एच का मतलब 6.62 × 10⁻³⁴ फोर होता है, और ये 3 × 10⁸ हो जाता है, ये प्रकाश का वेग होता है, और लेमडा हम निकालते हैं, कार्य फंक्शन दिया हुआ है कार्य फलन 2.8 और इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बाबू अप्रोक्स इतना आएगा 4433 एंगस्ट्रम, याद रखिए कैलकुलेट करके देखिएगा, ऑप्शन ये आएगा 4433 एंगस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रोध प्रतिदार के लिए बनाया जाता है, किस लिए प्रतिदार बताया, मात्रा क्षय कर कम करने के लिए, याद रखिए ट्रांसफार्मर के को क्रोध जो होते हैं प्रतिदार बनाए जाते हैं ना, किस लिए, तो ऊर्जा को क्षय कम करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक चालक होता है, क्या होता है बाबू बताइए, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए तो क्या होगा बाबू, हम कहेंगे
उच्च ताप ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक जो ताप होता है वो आवश्यक होगा उच्च ताप होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट जो होता है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, क्या होता है, किसी अर्धचालक का, किसी अर्धचालक है ना, किसी अर्धचालक का क्या होगा बाबू बताइए, याद रखिएगा ऋणात्मक होता है ना, अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। और लास्ट कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, अगर सही सही अगर लास्ट भी करके जाते हैं तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु दिया है तो इसकी मध्य आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बाबू अर्ध आयु निकालने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 और बाई टी होता है, अगर 0.693 और बाई टी के जगह पर अगर हम निकालते हैं क्या 1600 ना, कैलकुलेट करके निकालते हैं तो देखिए ये जो होगा जो हम लोग निकालते हैं ये वाला जो फॉर्मूला होगा याद रखिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैलकुलेट हम करते हैं तो 0.00043331 आएगा, इस तरह से याद रखिएगा, लेमडा बराबर इतना आएगा, ये होगा। अगर हमको क्या निकालना है बाबू माध्य आयु, तो माध्य आयु निकालने के लिए टाउ इज इक्वल टू होता है 1/लेमडा, अगर हम करते हैं 1/लेमडा के जगह पर हम ये करते हैं 1/0.004331 करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स जो आएगा वो आएगा बाबू ये आएगा 23.8 वर्ष आएगा, यानी कि अप्रोक्स हमारा 2309 वर्ष आएगा। तो इस तरह से हमारा जो होगा इस वीडियो में टोटल आपको ऑब्जेक्टिव जो है मॉडल पेपर का, हमने 70 क्वेश्चन को सॉल्व किया इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और हाँ इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है मॉडल पेपर में दिया ये भी आपको जल्द बताने वाले हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, मॉडल के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हम लोग, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।